हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सुडो को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुडो स्टैंड्स फॉर सुपर यूजर डू, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सुडो के द्वारा हम लोग एक नॉर्मल यूजर को ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं जो उससे उसके राइट से बाहर है, यानी कि एक ऐसी कमांड जो नॉर्मल यूजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, लेकिन सुडो के द्वारा हम लोग उस यूजर को वो कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल यूजर को एक लिमिटेड कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगर आप किसी भी नॉर्मल यूजर को राइट्स देना चाहते हैं सुडो के द्वारा कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसमें हम लोग फाइल यूज करते हैं, सुडर्स फाइल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक नई कंडीशन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ठीक है, अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस फाइल के द्वारा हमने प्रीत यूजर को सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी थी सभी टर्मिनल से, लेकिन अब मैं प्रीत यूजर पर एक लिमिटेशन लगाना चाहता हूं। मैं यहां पर एक अनदर टर्मिनल ओपन करता हूं, एक नया टैब ओपन कर लेता हूं। जैसे कि अभी प्रीत यूजर को सभी टर्मिनल से सभी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि प्रीत यूजर सभी टर्मिनल से सभी कमांड एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन जो दोस्तों यूजर डेल कमांड होती है वो एग्जीक्यूट ना कर पाए। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यूजर डेल कमांड का एग्जीक्यूट लोकेशन क्या है, जिसके लिए मैं यहां पर कमांड यूज करूंगा विच स्पेस कमांड नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमें यूजर डेल कमांड की एग्जीक्यूट लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसे यहां से कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। कॉपी किया और आप उसी टर्मिनल पर चले जाइए जहां पर आपने प्रीत यूजर के द्वारा सुडर्स फाइल को ओपन किया हुआ है, और आप यहां पर इंसर्ट मोड में जाइएगा। सबसे पहले आप यहां पर कोमा यूज कीजिएगा और फाइ यूज कीजिए, और वो कमांड कमांड की एग्जीक्यूट लोकेशन आप यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इसका मीनिंग क्या है कि प्रीत यूजर किसी भी टर्मिनल से किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन जिस भी कमांड की एग्जीक्यूट लोकेशन से पहले दोस्तों हम लोग ये फाइ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो कमांड ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अगर आप मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देना चाहते हैं तो आप अगेन कोमा दीजिएगा और उस कमांड की एग्जीक्यूट लोकेशन से पहले अगेन फाइ यूज कर लीजिएगा। इस तरह आप मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन डिनाई करा सकते हैं प्रीत यूजर से। ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर मैंने यूजर डेल कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा प्रीत यूजर, बाकी सभी कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इसके लिए आप यहां पर इस फाइल को सेव कर दीजिएगा। सेव हो गई। अब हम लोग अगेन प्रीत यूजर पर चलते हैं, प्रीत से लॉगिन करते हैं हम लोग किसी भी टर्मिनल पर। ये हम लोग प्रीत यूजर से लॉगिन हो गए।
अब मैं यहां पर अगेन एक यूजर क्रिएट करता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सुडो स्पेस, कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता है, जैसे कि यूजर एड स्पेस। अब मैं यहां पर एक चंपू नाम का यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब सबसे पहले आपको प्रीत यूजर का पासवर्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर प्रीत यूजर का पासवर्ड वेरीफाई कर देता हूं, और देखिए कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। चाहे तो आप ग्रैब कमांड के द्वारा चंपू को फिल्टर कर सकते हैं रूट ETC के अंदर पास WD फाइल के अंदर, और हम लोग सभी जानते हैं कि पास WD फाइल के अंदर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और इसके लिए दोस्तों आप अगर आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर और ग्रुप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने कंप्लीट यूजर और ग्रुप मैनेजमेंट को लेकर बनाई हुई है। ठीक है, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा, और आप यहां पर देख सकते हैं कि पास WD फाइल के अंदर चंपू यूजर की एंट्री अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि प्रीत यूजर ने यूजर एड कमांड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अब दोस्तों, अब मैं इस यूजर को डिलीट करना चाहता हूं प्रीत यूजर के द्वारा ही। ये देखिए जरा, यूजर डेल, एक सेकेंड, जरा यूजर डेल। ठीक है, टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सॉरी आ गया है। जैसे ही आप कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, यहां पर सॉरी का मैसेज आया हुआ है, सॉरी यूजर प्रीत इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट यूजर डेल। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमने वहां पर एग्जीक्यूट करने की परमिशन डिनाई की थी यूजर डेल के लिए, वो हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। वापस हम लोग सूडर्स फाइल में चलते हैं। अब हम लोग एक नई कंडीशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक नई कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, सूडर्स फाइल के द्वारा मैंने अभी केवल यूजर को ही कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी है टर्मिनल से। ठीक है, ये आपके सामने मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब दोस्तों, अगर हम लोग चाहें तो सूडर्स फाइल के द्वारा यूजर के साथ साथ आप ग्रुप को भी एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हो। अब वो कैसे करते हैं वो देखिए जरा, यानी कि अब हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स यूजर को आप कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं। दोस्तों ग्रैब करके मैं आपको दिखाता हूं, इंडिया रूट पार्टीशन के अंदर ETC डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप नाम की एक फाइल होती है, और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस मशीन के अंदर इंडिया नाम का एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिया नाम का हमारा ग्रुप है, जिसकी ग्रुप आईडी है 1002, और इसमें मैंने user 1, user 2, user 3 और user 4, ये कुछ यूजर इस ग्रुप में ऐड कराए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सभी यूजर्स को सेम कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं सूडो के द्वारा, तो आप या तो एक एक करके फाइल में ऐड कराइए, परमिशन दीजिए। तो आप अगर आप 1 by 1 यूजर को ऐड कराते हैं, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप मल्टीपल यूजर को सेम कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं, तो आप सिंपली उन सभी यूजर्स को एक ग्रुप में ऐड करा लीजिए, और आप इस ग्रुप पर उस कमांड को एग्जीक्यूट करने की परमिशन लगा दीजिए। तो इसका बेनिफिट ये होगा, जैसे ही वो कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन ग्रुप पर अप्लाई होगी, तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स यूजर हैं, उन पर वो परमिशन ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। अब ग्रुप पर कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग परमिशन एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप सबसे पहले सूडर्स फाइल के अंदर चलेंगे, और देखिए यहीं पर आप ये वाली लाइन देखिए, मैं यहां पर लाइन नंबर सेट करता हूं SU के द्वारा। आप यहां पर देख सकते हैं लाइन नंबर 105, एक बार रीड कीजिएगा, अलाउ पीपल
इन ग्रुप विल टू रन ऑल कमांड्स एग्जीक्यूट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहीं पर देखो, थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब आप, एक सेकंड, सबसे पहले आप इंसर्ट मोड में जाएंगे तो सबसे पहले आप ग्रुप नेम प्रोवाइड करेंगे, देन किस टर्मिनल पर आप परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप यहां पर टर्मिनल को प्रॉपर डिफाइन कीजिए। सभी टर्मिनल पर अब इंडिया ग्रुप के मेंबर्स को आप क्या परमिशन एग्जीक्यूट करने की परमिशन देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं वो सभी कमांड्स एग्जीक्यूट कर पाए या एक पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट कर पाए, तो आप इस तरह, जो सिंटेक्स मैंने ये वाला यूज किया था एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो आप वही आप सिंटेक्स यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखती है, यहाँ पर ग्रुप के लिए ग्रुप नेम से पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल यूज करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ग्रुप पर आप परमिशन जब अप्लाई करेंगे तो ग्रुप नेम से पहले ये परसेंटेज का ऑप्शन या आइकन होना चाहिए, तभी उस ग्रुप पर वो परमिशन अप्लाई होगी। ठीक है, जस्ट आप राइट एंड क्विट कीजिए, फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा, फाइव यूज कीजिएगा डब्ल्यू क्यू के साथ। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग एक पर्टिकुलर यूजर या एक पर्टिकुलर ग्रुप पर कुछ ऐसी कमांड एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं सूडो के द्वारा, जो उसकी परमिशन से बाहर है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग सूडो को यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।